जोहारंगी बापी ट्रैप टीवी ना सैटरडे स्पेशल गालो चखड़ा रे सलाम गुगुल सगुन राम ना सैटरडे स्पेशल गालो चखड़ा रे उनकान पेड़ा को जुपड़ा करना जहां दो आकुआ जीवन रे कुरुमुटु कते मणांग से कुलहाव करना ठीक उनका के तीन आबुसाते मीत पेड़ा जुपड़ा है जहां दो जमशेदपुर खना मुंबई हबी ते सेटर करना मुंबई रे हो नपाय नपाय टीवी सीरियल को रे आज कहानी ऑल कदा सासाते आज एक्टिंग हो एक्टिंग कदा तीन उनी सगुन रामिया और उनी बाबते मिटांग रेते बुन नेला जहां दो आया जीवन रे कुरुमुटु कते आज मणांग से लहाव करना और उनिया नितुम दियो करना मोहम्मद निजाम गोंके और तीन उनी आया उपरूम डायरेक्टर साथे ट्रेनिंग लिकाते हो आज उपरूम में हमेट कदा और उनी बाबते गी तीन जान वासाटे डिस्पेल गालो चकड़ा और उनी इदिकते गी तीन नपाय सहित आया जीवन रिया कुरुमुटु और बांग मांग से लहा बाबते सामिल से बुन गलमरा मांग मेटांग रेते बुन जल लगे जुदिया मनेरम ठौक गोटाया एंडेखान आमा मांग हर से ताराम आर बांग हर आम लगी चे तैयारवा ठीक उनका गी कहानी मिना खदा मोहम्मद निजामा जहां दो तिहिं उनी डायरेक्टर आर ट्रेनर लेकाते आजा उपरू में तैयार करा मोहम्मद निजाम दो जमशेदपुर खना मुंबई ते चलाव कनाय फिल्म बाबते आर बांग नापाय आजा कमी होरा मारांग से लहा लगी उनी जमशेदपुर खना 1998 रे मुंबई ते चलाव कना आर उनी टीवी लगी ते सीरियल कोई ऑल काय जहां कुदो हुयु कना हसरते ऑल दी बेस्ट माल है तो ताल है तेरा घर के सामने कोलगेट टॉप 10 डोंट वरी हो जाएगा मीठी मीठी बातें बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आर हो आयमा अडिगाल सीरियल है ऑल काय नवा सीरियल साथ साथ है एड फिल्म्स रे है ऑल काय आर पिक्चर फिल्म रे है डायरेक्ट कराय जहां को दो हुयु कना शैला संधू शॉर्ट फिल्म दो हुयु कना जिंदगी के लिए ख्वाहिश साथ है आर हो अडिगाल शॉर्ट फिल्म में और आवे निजाम गोंके दो शक्तिमान सीरियल रे है आज रोल कराव कदाय साथ साथ है छोटी छोटी मोटी बातें उनी ऑल कदाय साथ-साथ उन्हें फिल्म और सीरियल रहे एक्टिंग कराए जहां को हुयु कना उड़ान बन्ना गांव काल चक्र मिसिंग जुर्म यूगीटीसी शक्तिमान नुआ को आए रोल कराए मेनगा नुआ आया जीवन रे और बांग आज मांग से लहा लगी ते अडी गाने कुरुमुटो कराए ब्यूरो रिपोर्ट ट्रैक टीवी कलोनी सगुंद्रा मणि तो जहां दो मोहम्मद निजाम गोंके जहां दो डायरेक्टर साउथ ट्रेनर हो कराए आराय जीवन रे मेन गानो जमशेदपुर खना चिकाते मुंबई हबी री आजा सफर मेना कदा ओला गो बदे शामिल है सेदुंगा सर नमस्कार ट्राइब टीवी के सैटरडे स्पेशल में आपका स्वागत धन्यवाद जी सर जैसे आप जिस तरह से जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं और जमशेदपुर से जो एक मुंबई तक का जो सफर आपका है ये आपसे हम विस्तारित रूप से जानना चाहेंगे किस तरह से ये सफर आपका तय हुआ और किन किन कठिनाइयों से आप गुजरे और जाके आज इस मुकाम पे आज आप पहुंचे हैं। जी जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में जहां सिनेमा के लिए तो कोई स्कोप नहीं था जब हम लोगों ने शुरू किया रंगमंच था रंगमंच कई भाषाओं में होता रहा लेकिन उसका भी स्वरूप बहुत व्यावसायिक नहीं था अव्यवसायिक रूप से शौकिया रूप से थिएटर करने वाले ग्रुप्स थे संस्थाएं थी जो शौकिया तौर पे नाटक करती थी और नाटक से बहुत आगे जाने का ना उस वक्त कोई किसी के पास विचार था ना कोई गाइडलाइन था ना कोई गाइड करने वाला था ये भी नहीं कि हाँ हम जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है बस हम लोगों ने शुरू किया और चल पड़े थे पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं लेकिन दिल को अच्छा लगता था मन को अच्छा लगता था तो ये सिलसिला शुरू हो गया तो लगभग 1984 में जब जमशेदपुर रंगमंच पे कदम रखा था हमने तो कई छोटी बड़ी संस्थाएं हिंदी बांग्ला संताली उड़िया गुजराती कई संस्थाएं कार्यरत थी धीरे धीरे हालांकि दुर्भाग्य से वो सारी संस्थाएँ धीरे धीरे शिथिल पड़ती गई यही हाल था चूँकि नाटक यहाँ सिर्फ शौक से जुड़ा था कोई रोजगार या कोई गाइडलाइन नहीं था कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भी जाया जा सकता है इससे या इससे फिल्मों के रास्ते भी खुल सकते हैं ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था लेकिन करते 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 कालांतर में कई ऐसे लोग मिले कई ऐसी कार्यशालाएँ मिली कई ऐसे चूँकि जुनून था कि बस काम करना है और काम को बेहतर से बेहतर कर तो जैसे जैसे काम अच्छा होता गया बेहतर होता गया
वैसे वैसे पूरे अखिल भारतीय स्तर पे बेहतर लोगों से संपर्क में आते गए, और संपर्क में आते आते कुछ 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 ज्ञान के चक्षु खुलते गए कि हाँ, इसके द्वारा यहाँ भी जाया जा सकता है, वहाँ भी जाया जा सकता है। तो कई अच्छे बड़े नाटक करने के बाद, कई राष्ट्रीय नाट्य समारोहों में हिस्सा लेने के बाद, कई बार राष्ट्रीय स्तर पर अभिनेता और निर्देशक के तौर पर सम्मानित होने के बाद, पुरस्कृत होने के बाद, एक समय ऐसा आया, ऐसा लगा कि अब इस काम को छोड़ के और कोई काम नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बस करना है तो यही करना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी, जब ऐसा विचार आया तो फिर लगा कि अब यहाँ जमशेदपुर में रह के रंगमंच के या सिनेमा के कार्यों से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जी, तो लगभग 1998 में मैंने मुंबई की राह पकड़ी। जी, मुंबई में जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता आया है, मेरे साथ भी हुआ, संघर्ष के दिन भी देखे, काफ़ी संघर्ष, लंबा संघर्ष चला। जी, चूँकि कोई ऐसा नहीं था कि हमारे साथ बैकअप है या गाइडलाइन है, वैसा कुछ भी नहीं था, स्वयं चल दिए, जहाँ राह मिलती गई उसी तरफ बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और बतौर राइटर एक्टर ढेर सारे टीवी सीरियल कई चैनलों के साथ, क्योंकि उन दिनों ओटीटी का प्रचलन नहीं था, सिर्फ टीवी चैनल्स ही थे, और वो भी गिने चुने चैनल्स थे, सिनेमा टीवी चैनल्स, तो गिने चुने चैनलों के साथ सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कई टीवी सीरियल्स के स्क्रिप्ट के डायलॉग्स लिखे, जैसे जी टीवी के लिए, सोनी के लिए, दूरदर्शन के लिए, तो काफ़ी कुछ लिखा। तो ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला, बतौर एक्टर भी कई टीवी सीरियल्स में और सिनेमा में छोटे छोटे काम करते करते काफ़ी अच्छे मकाम हासिल होने शुरू हुए, और कई तरह के काम करते करते, लेकिन रंगमंच जो है हमेशा अपनी तरफ खींचता रहा, आकृष्ट करता रहा। सिनेमा से कभी नाता नहीं टूटा, टेलीविज़न से नाता नहीं टूटा, लेकिन रंगमंच बहुत ज़्यादा खींचता रहा अपनी तरफ। उस खिंचाव का नतीजा था कि मुंबई में भी हमने सागर सरहदी जैसे बड़ी हस्ती का एक ग्रुप था, द कर्टेन, कर्टेन के साथ वहाँ थिएटर का सिलसिला लगातार बनाए रखा, और अंततः यह निर्णय लेना पड़ा कि क्यों ना हम जिस भूमि को, जिस जन्म भूमि और कर्म भूमि को एक ही बनाया जाए। तो उसको सोचने के बाद मुझे 2003 में मेरी वापसी जमशेदपुर में हुई। वापसी नहीं कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि क्यों ना हम जमशेदपुर को या जमशेदपुर के कलाकारों के लिए ऐसी भूमि बनाए, ऐसी रणभूमि बनाए, या इस तरीके से तैयार करें कि जिस तरह से मुझे कोई आइडिया नहीं था, जब तो हम लोग ऐसे ही अंधेरे अंधेरी दिशा में बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हमारे जैसे कई लोग थे, सैकड़ों हजारों, तो वो स्थिति आने वाली पीढ़ी के कलाकारों को ना झेलनी पड़े या अनजानी राह पे ना बढ़ना पड़े, तो हमने जमशेदपुर में रह के जमशेदपुर में ऐसी ज़मीन तैयार करने का फैसला किया कि थिएटर और सिनेमा की ऐसी ज़मीन तैयार करें कि ना सही कि यहाँ रह के ही काफ़ी नेम फेम मिले, काम मिले, लेकिन कम से कम उनको आने वाली पीढ़ी के लोगों को एक अच्छा गाइडलाइन मिले। तो हमने फैसला किया और 2003 से लगातार जमशेदपुर में रह के ही पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, रंगमंच के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, और लोगों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ जुड़ी, हमारी संस्था है, नाट्य संस्था है पाथ, पीपल्स एसोसिएशन फॉर थिएटर, हमारे साथ जुड़ी या जमशेदपुर के किसी भी संस्था से जुड़ी, उन लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि जो सोच के मेरी वापसी हुई थी कि एक ज़मीन तैयार करेंगे, गाइड करेंगे लोगों को, वो काम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से जमशेदपुर जैसे शहर में सिनेमा और थिएटर करने वालों की एक अच्छी फौज तैयार हो गई है, और जिनको पता है कि यहाँ करने के बाद इतना, यहाँ कितने वक्त गुजारना है, प्रशिक्षण के लिए कितने वक्त गुजारना है, उसके बाद किस राह पे आगे बढ़ना है। तो ये मुझे लगता है कि अपने मकसद में एक कामयाबी मिली जमशेदपुर आने के बाद। जी जी बिल्कुल सही बात है, और जैसे आपने कहा कि 1998 में जिस तरह से आपने मुंबई जाने के लिए जो अपने ठाना
और जाने के बाद आपने टीवीएस सीरियल जैसे ऑल दी वेस्ट, माल है तो ताल है, इस तरह के बहुत सारे स्क्रिप्ट जैसे आपने लिखी। लिखने के बाद एक जो कहानी जो आप गढ़ते हैं, जो एक कहानी को क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि इस तरह की जो कहानी आपकी जो टीवी सीरियल्स में चलती है और चलती आ रही थी, तो बताया जा रहा है कि एक कहानी का जैसे सोच कहाँ से आप सोचते थे सर कि इस तरह की कहानी होने से, इसे इस तरह लिखने से आदमी या फिर दर्शक जो है बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे उस सब्जेक्ट को? सर देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है जी। ये है कि आपको सजग रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है हर चलते वक्त। आपके परिवार में, आपके समाज में, गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, जहाँ कहीं भी आप जाते आते हैं, हर जगह कहानी के प्लॉट्स मौजूद हैं। बस यहाँ से दिमाग से सचेत रहना है, सजग रहना है, तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि अरे, चूँकि टेलीविज़न का जो दर्शक होता है, टीवी सीरियल्स का जो दर्शक होता है, आजकल उसको OTT से भी जोड़ सकते हैं, वो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय दर्शक होता है, जिसके पास थोड़ा समय है कि टेलीविज़न के साथ वक्त गुजारे और इनके साथ वक्त गुजारे, जिनको मनोरंजन के माध्यम से अगर हम उन्हीं की समस्याओं, मतलब जिनके बीच हम रह रहे हैं, जिनके आसपास इर्द गिर्द जो देख रहे हैं घटित होते हुए, उन्हीं की समस्याओं को मनोरंजक ढंग से इस तरीके से उठाया जाए कि उनको भी अपने सपने पूरे होते हुए दिखें, नजर आए, या उनको दिन भर के तनाव से थोड़ी सी तनाव मुक्ति मिल जाए किसी कहानी से, या किसी प्लॉट से, किसी सब्जेक्ट से, या एक ऐसा प्लॉट चुने, ऐसा सब्जेक्ट चुने जिससे उनका तुरंत जुड़ाव हो जाए। तो इस तरह से सजग और सचेत रहने से मुझे लगता है वो कहानियाँ मिलती रहती हैं, वो प्लॉट्स मिलते रहते हैं, वो संवाद भी मिलते रहते हैं, क्योंकि संवाद हर रोज़ हम लोग करते हैं। बस उसको ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है कि आम आदमी अपनी समस्याओं को किस तरह से बात करता है दूसरे के साथ और किस तरह से उसको हल करने के सपने देखता है। तो हमारा एक्सटेंशन ये होता है, बाकी सारी रियल लाइफ से ही होती है, हकीकत की ज़िंदगी से ही होती है सारी समस्याएं, सारे प्लॉट, सारे विषय, सारे संवाद हकीकत की ज़िंदगी से होती है। लेकिन हमारे बतौर लेखक हमारा एक्सटेंशन ये होता है कि उनके मन के अंदर जो सपनों को पूरा करने की छटपटाहट होती है, उन सपनों को एक और उड़ान मिल जाए या एक उम्मीद की दिशा दे सके, जिससे कि उनको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अगर हमारे जैसा पात्र ये उड़ सकता है या ऊपर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, ऐसे हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर मैं थोड़ा सा, मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा, जैसे कि हाँ। जमशेदपुर से आप मुंबई का सफ़र किस तरह से आपने तय किया, उसने आपने बताया, तो एक टीवी चैनल के लिए बहुत एक बहुत ही, मतलब हम लोग अगर सोचते हैं कि काश हमें भी टीवी चैनल में, बहुत सारे ऐसे आदमी व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि मुझे भी टीवी चैनल में काम मिल जाए, मैं भी एक राइटर बनना चाहता हूं, मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूं, मैं भी कुछ ना कुछ मेरे अंदर में है, तो एक टीवी चैनल में काम करने का जो एक हौसला जो बढ़ता है, एक मन में ठान लेने के बाद वो जो संघर्ष रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे पूरा डिटेल बताइए। क्योंकि अगर देखा जाए, आप जी टीवी के साथ अपना आपका जो रिलेशन बना, या फिर टीवी चैनल के साथ अपना जो रिलेशन बना, तो ये कैसे संभव हो पाया सर, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित अगर जानकारी देते तो बहुत ही अच्छा होता हमारे दर्शक। देखिए, मैं जिस समय गया था जी, उस समय ऑनलाइन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जी। जो कुछ भी था, मैनुअली भाग दौड़ करना, व्यक्तिगत संबंध बनाना, व्यक्तिगत लोगों से मिलना, अपनी बातें बताना, अपने काम के बारे में बताना, और फिर उनको लगता था कि इस आदमी के काम को देखना चाहिए या सुनना चाहिए, तो वो वक्त देते थे, और फिर जाके हम लोग अपने काम को बताया हमने कि हम ये कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, हम लिखते हैं, और उनको भरोसा हुआ। तो ये प्रोसेस आज के समय में थोड़ा आसान हो गया। अब ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इंटरनेट के आ जाने से, इंटरनेट क्रांति के आ जाने से आप किसी भी चैनल से डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास अपने काम के वर्किंग वीडियो शेयर कर सकते हैं, या अपने विचार शेयर कर सकते हैं, लिखे हुई चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, और वहाँ से जवाब आने के बाद आप काम में लग सकते हैं। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया हो गई, इसमें पहले चूँकि ज़्यादा
ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ज़्यादा लोगों को एक दूसरे पर विश्वास था, बातों पर विश्वास था, वायदों पर विश्वास था। अब वो विश्वास की नींव थोड़ी सी हिली है, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना है। पहली प्रक्रिया तो यह है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लें, एकदम धैर्य के साथ रह के आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में भी, जैसे मैं जमशेदपुर का हूँ, कई लोग और ज़्यादा छोटे शहरों से है या किसी और शहर से, किसी और राज्य से, तो वहाँ की संस्कृति और संस्कार को लेकर उनके पास जानकारी हो। अगर लेखन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, निर्देशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और अभिनय तो मुझे लगता है कि विश्वव्यापी है कि सब जगह भाव एक ही होते हैं, सात्विक भाव एक ही होते हैं, उसको करने के लिए आप अपने क्षेत्र में रह के, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में रह के बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करें। अब ये यहाँ एक लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है या दुविधा आ सकती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करना एक महंगा प्रोसेस है। जी नहीं, इसको क्लियर कर ले, प्रशिक्षण दो तरह से होता है। एक तो ये कि आप किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट में जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, ट्रेनिंग ले रहे। दूसरी जो ट्रेनिंग होती है वो ज़मीनी स्तर की है। ज़मीनी स्तर की ट्रेनिंग, देखिए जैसे मैंने सात्विक भावों की बात की, वो हर जगह एक ही है, रोना तो रोना है, हंसना तो हंसना है। जी बिल्कुल। प्लॉट या विषय वस्तु जितने आपके पास है या संवेदनाएं जितनी आपके पास है, आपके पास मतलब छोटे शहर के लोगों के पास, जी सर, कस्बों के लोगों के पास, गाँवों के लोगों के पास जितनी कहानियाँ हैं, जितनी संवेदनाएँ, इमोशंस बचे हैं, उतने इमोशंस, उतनी कहानियां बड़े शहरों या महानगरों में नहीं है। तो आप जब प्रशिक्षण के दौरान आप अपने आसपास के लोगों से सीख सकते हैं, आसपास जो संस्थाएं काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में या अभिनय सिखाने के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में जो लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हर जगह है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रतिभावान लोग मौजूद हैं, उनके काम को देखिए, महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनसे वार्तालाप का सिलसिला चले, आपकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो। उनसे बातचीत के तौर पे, मतलब जैसा मैंने कहा, आप जिस चीज़ पे आपका, आपकी रुचि ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, अभिनय में है, लेखन में है, निर्देशन में जी, उस तरह के लोगों से आपका मेल मिलाप हो, आपकी बातचीत का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके या दूसरे किसी के भी काम को देखने के बाद आप उस पर चर्चा करें जी, उसके अच्छाई, बुराई, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर पहलू पे चर्चा करें। ये चर्चाएं जो है, लगातार जब आप चर्चा में रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप अनुभवी लोगों के साथ या गैर अनुभवी लोगों के साथ भी, नए लोगों के साथ भी आप चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। या दूसरी फिल्मों को देखें, नाटकों को देखें, सीरियल्स को देखें, OTT के वेब सीरीज़ को देखें, और जो पसंद आता है आप ऐसे अनुभवी लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करें कि ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता था, वो ऐसा हो सकता था। जी बिल्कुल, आपके लिहाज से ये कैसा है। तो इस तरह से भी एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल सकती है, जहाँ आप हैं वहीं रहते। जी बिल्कुल। बाकी चूँकि ये सारा मामला आपकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति से जुड़ा है, आपकी कल्पना शक्ति जितनी रचनात्मक होती चली जाएगी, आप उतने अच्छे अभिनेता, लेखक या निर्देशक हो सकते हैं। बाकी रही चीज़ें तकनीक की, तो वो तकनीकी चीज़ें हैं, रंगमंच का अपना तकनीक है, सिनेमा का अपना तकनीक है, टेलीविज़न का अपना तकनीक है, और वो तकनीकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आप काम करते करते सीखते जाते हैं, ज़िंदगी भर सीखते हैं, सीखने का अंत तो होता नहीं है कहीं। कई बार आप दूसरे किसी एक सेट से दूसरे सेट पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कैमरे का इस्तेमाल एकदम अलग ढंग से कर रहा है। कई बार आप एक स्टेज से दूसरे मंच पर जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे इनकी प्रस्तुति करने का अंदाज या इनकी लाइटिंग का अंदाज या इनके बैकग्राउंड म्यूजिक का अंदाज बिल्कुल अलग है। कई जगह जैसे कई शैलियाँ हैं अलग अलग, है ना जी सर। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग सांताली यात्रा की ही बात करें, तो यात्रा में थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन, लाउड आवाज़, वॉल्यूम रखा जाता है, चिल्लाया जाता है, चीखा जाता है, इसलिए कि दर्शक बहुत संख्या में होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं तीन तरफ, तो उनको सुनाने के लिए हमें थोड़ी दम, एक्टरों को दम लगाना पड़ता है, और दूर दूर तक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए एक्सप्रेशन भी लाउड रखने। वही जब प्रोसेनियम थिएटर में सिमट के आता है हिंदी रंगमंच या इस तरह के रंगमंच में,
तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ थिएटर जो है इंटेंस होता है, तीन तरफ दर्शक नहीं होते, एक ही तरफ दर्शक बैठे होते, लाइट्स अच्छी होती है, साउंड अच्छा होता है, थोड़ा कम होता है। जब टेलीविज़न में आते हैं, धारावाहिकों में काम करते हैं या सिनेमा में काम करते हैं या OTT में, तो वहाँ माइक्रोफोन लगाने की सुविधा है या डबिंग की सुविधा है, तो वहाँ आपको और लाउड की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है आजकल। फिर उसको ये तकनीकी चीज़ें हैं, बाकी भाव एक ही है। आप कहीं भी अनुभवी लोगों के साथ बात करके आराम से अपने प्रशिक्षण की शुरुआत कर सकते हो, और जब आपको मौका मिलेगा, जो आपकी प्रतिभा है, आपको प्रतिभा है तो आपको मौका मिलेगा और प्रतिभा साबित होगी, तो जिनके साथ आप काम करेंगे उन लोगों के साथ काम करते करते और बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे तकनीकी ज्ञान का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारी बातें भी हो रही है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े, मुंबई की बहुत सारी यादें अभी ताज़ा हो रही है। इसी बीच हम लोग और भी बातों के सिलसिला और भी आगे जारी रखेंगे, और हमारे जैसे बहुत ही लोकप्रिय सीरियल शक्तिमान शायद अभी भी को बहुत सारे लोग नहीं भूले हैं, इनके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रेक का बात, ब्रेक के बाद हम लोग और सारे बहुत सारे बातें हैं जो हाँ तो गलमरा हुई हुआ गलमरा साथ शक्तिमान जहाँ सीरियल तेकना उनारे हन हुई ऑल का थे उनारे ऑल एन कर राइटर करना है उनकी बाबतें हों शामिल से तो बुन गलमरा तो जीरो जीरो तेम दौड़ाते रोड बना जीरो तम दौड़ाते आप सामने सगुंदराम तिहिया नवा सैटरडे स्पेशल गालो चकड़ा रिंग साउते मिनाई का दिया जहां दो जमशेदपुर ने मोहम्मद निजाम गोंके जहां दो डायरेक्टर साउते ट्रेनर रोक नाई आ साउते झारखंड या जमशेदपुर को मुंबई भी रिया जहां सफर मिना करते ना बाबते शामिल है सेत बुनगल मगना। सर अगर हम लोग बहुत ही लोकप्रिय सीरियल जो शक्तिमान हम लोग ने जब हम भी छोटे थे बहुत ही ज़्यादा हम लोग देखे थे, और देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी शक्तिमान का सीरियल आगे आने के लिए वेट कर रही है, तो बताया जा रहा है कि जैसे आपने इसमें बहुत ही अच्छा से बहुत ही बारीकी से आपने इसमें लिखा हुआ था, तो हम इसका बारे में भी आपसे मैं विस्तारित से जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इससे जुड़े। सर जी मैं एक बात पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि शक्तिमान जो सीरियल था वो बहुत लोकप्रिय था, निश्चित रूप से बहुत ब्लॉकबस्टर हिट था जी सर। बच्चे टूट पड़ते थे सारा काम धाम छोड़ के शक्तिमान देखने के लिए, और शक्तिमान इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसके कपड़े बिकने लगे थे, उनकी हरकतें बच्चे करते रहते थे हर जगह। शक्तिमान के बारे में बताऊं कि उनका लेखन जो है हमारे थिएटर ग्रुप से जुड़े एक साथी कलाकार ब्रजमोहन पांडे, उन्होंने लिखा था, इसकी रचना की थी सीरियल की जी सर। और प्रोडक्शन देखते थे उसी सीरियल में घोष बाबू का एक चरित्र था जय मिश्रा जी। तो ये दोनों हमारे साथ थिएटर करने वाले लोग थे, जमशेदपुर के ही लोग थे, जिन्होंने अथक मेहनत से तैयार किया था। तो जब मैं मुंबई का रुख मैंने किया था तो ये सीरियल चल रहा था ऑलरेडी, और चूंकि ये हमारे साथी कलाकार थे, हमारे साथ के कलाकार थे, हमारे थिएटर ग्रुप के कलाकार थे, इसलिए इन दोनों के माध्यम से मेरा जुड़ाव भी उनसे हुआ। कई एक एपिसोड में मैंने बतौर अभिनेता काम किया, और बाद में जब कई लोगों को पता चला कि मैं लेखन से भी जुड़ा हूँ, तो शक्तिमान के अंत में एक वो आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें जी सर, वो अंत के कुछ हिस्से लिखने का मौका मिला था। मैं शक्तिमान का लेखक नहीं था, अच्छा अच्छा ब्रजमोहन पांडे जी थे, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने जी सर। बाद में चूंकि उनके साथ हमेशा जुड़ाव रहा है जी, तो ऐसा लोगों को लगता था कि मैंने लिखा है जी, 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 सर। लेकिन मेरा जुड़ाव चूंकि शक्तिमान के पूरी यूनिट के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके राइटर के साथ हमेशा रहा, इसलिए ऐसा प्रतीत हो सकता है जी जी सर। जी सर, जैसे आपने कही कि छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें रहती थी सर, बहुत सारे दर्शकों को बताया जाते थे कि ऐसा ना करें और ऐसा करने से आपके लिए क्षति है, बहुत सारे ऐसे बातें रहती थी सर, तो उसमें सर किस तरह के और जो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसलिए मार्गदर्शक करने के लिए जो बातें रहती थी सर, तो उसमें आपसे मैं जानना चाहूँगा कि और किस तरह के बातें जुड़ने से और भी अच्छा होता लोगों के लिए सर। अच्छा देखिए, अभी तो जिस समय की बात है उस समय लोग तकनीकी रूप से अवेयर नहीं थे, लोग मतलब दर्शक जो हमारे दर्शक होते हैं जी सर। पहले के टाइम से थोड़ा शुरू करें तो तकनीकी रूप से अवेयर नहीं थे, वो भावनात्मक रूप से जुड़ते थे, भावना में बह जाते थे,
और भावनात्मक रूप से कई बार ऐसे काम करते थे। हालांकि अच्छा है कि इस तरह की धारावाहिकों में या सिनेमा में पहले चेतावनी लिखित रूप से दी जाती है, बाद में शक्तिमान के निर्माता और अभिनेता मुकेश खन्ना साहब ने भी बोलना शुरू किया था कि हमने जो चीज़ें दिखाते हैं, मुड़ते हैं, घूमते हैं, ये चमत्कारिक तरीके का कुछ ऐसा होता है, वो तकनीकी मदद से होता है, बच्चे इसकी नकल ना करें। तो ये जो बातें थी, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग था। वो इंटरेस्टिंग था कि मतलब तार्किक रूप से बहुत ढूंढने की कोशिश लेखन की पूरी टीम, मतलब प्रोडक्शन की पूरी टीम मिल के करती है। ये ऐसा लगता है कि किसी सिर्फ एक व्यक्ति ने लिख भर दिया और उससे वो उसके बाद वो सारा कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की मिली जुली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बाद वो फाइनल शेप दिया जाता है उसको, है ना, अंतिम परिणति होती है और उसके बाद ये निर्णय होता है कि हाँ ये तार्किक रूप से सही है। फिर भी मुझे लगता है कि शक्तिमान में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, मनोरंजक के ढंग से कहें, मनोरंजक था ही, तभी तो लोकप्रियता में एकदम एक नंबर एक पे चला करता था, और कॉमिकल अंदाज था, विज्ञान था, सामाजिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याओं का हल था, मानवीय संवेदनाओं की तरफ जो इंगित करना था या बच्चों को मानवीय संवेदनाओं की तरफ ले जाने का एक प्रयास था, वो भी था। तो मुझे लगता है कि सम्मिलित रूप से, मिले जुले रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रयास था। उसमें और ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी भारतीय परिवेश में। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सर, अगर हम लोग ज़्यादातर आपको देखें सर, कि आप क्षेत्रीय फिल्म के ऊपर में ज़्यादातर फोकस करते हैं, और क्षेत्रीय जो जितने भी स्टोरी हैं, रियल स्टोरी के ऊपर में ज़्यादा करते हैं आप फोकस करते हैं, फोकस करने के बाद उस जो रियलिटी है उसको आप दर्शाने की कोशिश करते हैं, ताकि दर्शक को भी रूबरू हो के किस तरह से लोग अपना जीवन गुजारा या फिर उन किस तरह के परेशानियां झेल रही है। तो सर, हम देखें आपके जितने भी कहानी है वो ज़्यादातर हम देखें कि इस तरह की टॉपिक के ऊपर में ज़्यादातर होती है। तो सर, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में जिस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आपकी जो जीवन को गुजारा जो करती है, उस तरह के आप माध्यम से स्टोरी बना रहे हैं, तो सर क्या और होना चाहिए सर, जिसकी तरह से और भी देश को एक आईना के रूप में आप, या फिर लोगों को एक मतलब इससे जुड़े जितने भी लोग हैं या फिर जितनी कहानियाँ हैं ये सामने ला सकें सर, और किस तरह की थीम आपकी और ज़्यादातर होती है सर? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ज़्यादातर मैं क्षेत्रीय फिल्मों की तरफ या क्षेत्रीय कहानियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हूँ। जी सर, ये सच है। दरअसल मेरा मानना रहा है कि जिस विषय वस्तु को या जिस परिवेश को, जिस संस्कृति को, जिस कल्चर को, जिस भाषा को या जिस रहन सहन को हम ज़्यादा जानते हैं या ठीक से जानते हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ठीक से समझते और जानते हैं, उस विषय को लिखना आसान है। आसान तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि उस विषय को लिखने में थोड़ी विषय और संस्कार, संस्कृति, तहजीब, भाषा, रहन सहन के साथ थोड़ा न्याय कर सकते हैं। जिस विषय से हमारा अपना नाता नहीं रहा बहुत, हो सकता है कि वो लिखने में या वो कहने में कहीं ना कहीं हम उस सब्जेक्ट के साथ अन्याय कर बैठे। इसलिए हमारा प्रयास ये होता है कि जिस तरह की जीवन शैली हमने जी है, जिस तरह की भाषाओं को सुना है, जाना है, पढ़ा है, लिखा है, या जिस तरह की संस्कृतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, वैसी संस्कृतियों पर काम करें, वैसी भाषाओं पर काम करें, वैसे कहानियों, वैसे विषयों पर काम करें, तो शायद न्याय हो सकता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि चूँकि जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में हम लोग बड़े फाइनेंस के लोगों को नहीं जुटा सकते, अभी वो मानसिकता बन रही है, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, कि हम अपनी क्षेत्रीय फिल्मों को या क्षेत्रीय भाषाओं को या क्षेत्रीय संस्कृतियों को अपने फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ाएं, तो हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारे जो युवा हैं या बाद में जो युवा हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनको भी हमारी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं का बोध बना रहे उनके मन में भी,
उनके लिए भी वो जानकारियों का स्रोत बना रहे। वरना तो होता है कि हम ढूंढते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग एक संस्कृति चली हमारे युवा हो जाने, युवा अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो हमारे बाद की पीढ़ी युवा हो रही है या हुई, अंग्रेजी माध्यम का एक सिलसिला चला स्कूलों का। तो कई बच्चे हैं जिनको हिंदी की गिनती की संख्या नहीं पता है ना, 49 नहीं पता, 49 बताना पड़ता है जी। तो इस तरह से हमारी कहानियाँ, हमारे कपड़े, हमारी भाषा, हमारी रहन सहन, हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति कैसी रही है, या हमारे सांस्कृतिक कहानियाँ, विरासत की कहानियाँ कैसी रही हैं, हमारी लोक कथाएँ कैसी रही हैं, और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पहले कैसा था, अब क्या वो उस तरह की संस्कृति, उस तरह की तहजीब फिर से क्या उसी तरह के समाज का निर्माण कर सकती है। इससे अवेयर रहे नई पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के लोग भी, जब सर्च करें, ढूंढें, तो उनको ये ना लगे कि हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया कि हम अपनी संस्कृति की चीज़ें ढूंढ सकें सिनेमा में, टेलीविज़न में। जैसा कि आप, आपके चैनल का प्रयास है कि ट्राइबल टीवी के माध्यम से, ट्राइब टीवी के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को, संस्कारों को, भाषाओं को, समाचारों को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जिस तरह से सहेज के रख रहे हैं, आने वाली वक्त के लिए निश्चित रूप से एक धरोहर होगी, सांस्कृतिक धरोहर होगी जी सर। हम लोग और यही प्रयास होता है, यही कोशिश होती है कि हम क्षेत्रीय कहानियों को, क्षेत्रीय तहजीब को, क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें, चूँकि हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उन संस्कारों से जुड़े हैं, हम उस मिट्टी से जुड़े हैं, उनके संस्कृतियों की, उस भाषा की जानकारी, उनके रहन सहन की जानकारी है। तो उन जानकारियों को हम सही ढंग से शेयर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये भी बात आप मानेंगे या हमारे दर्शक भी मानेंगे जी सर, कि जो आपसे जुड़ा होता है जी, जो भी भाषा हो, संस्कार हो, कपड़े लगते हो, जो आपसे जुड़ा होता है, आप कहीं भी रह रहे हैं, विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हैं, अपनी चीज, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी देखते ही आप का जुड़ाव तुरंत होता है, तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं जी सर। और हमारे माध्यम का तो मकसद ही यही है कि हम आपको, दर्शक को तुरंत कनेक्ट करें, और जब वो एक बार हमसे कनेक्ट हो जाएंगे भावनात्मक रूप से, तो हम अपनी बातें या अपने समस्याओं के समाधान या जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आसानी से कह पाएंगे जी। बिल्कुल, शायद आपका प्रयास भी यही रहा होगा सर। आपने तो बहुत सारे ऐसे गांव में भी गए हैं, और जाने के बाद वहां पे बहुत सारे ऐसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक अवेयरनेस करना चाहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जागरूक करना चाहे हैं, और ऐसा प्रयास आपका भी रहा है सर। और बहुत ही नेक काम है, ये होना भी चाहिए। हर आदमी का जैसे सोच, आपका जैसा सोच बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी लोगों को आपने आगे बढ़ने की एक उम्मीद आपने जताई है, बहुत ही सही बात है सर। अगर देखा जा रहा है कि अभी अगर अवेयरनेस की बात अगर आ रही है, तो हमारे ग्रामीण एरिया जितने भी, ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हैं, तो उस एरिया में अगर हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम से हमारे लोग जो हैं बहुत ही दूर हैं, उनको सीधा सीधा आदमी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनको क्या है कि हमको खाना है, पीना है और अपना रहना है, बस इनका यही सोच रहता है। तो लेकिन आप लोग जो प्रयास जारी रखें सर, आप जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं सर, और क्या क्या ऐसा बात आप मतलब रखना चाहते हैं इस टीवी के माध्यम से, ताकि उन लोगों तक आपकी बातें पहुंच सके सर? अच्छा है, मेरी शुरुआत सच में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, जो गांव-गांव जाने का अवसर मिला जी। इंटीरियर सुदूर गांव में जहां सड़कें नहीं थी, ऐसे इलाके में भी गए जहां बारिश के दिनों में पहुंचना दुसाध्य था, ऐसे स्थानों पे गए जहां ठंड से ठिठुरते लोगों के पास तन ढकने को सच पूरी तरह से कपड़े नहीं थे, वैसे स्थानों पे गए। और पहले शुरुआत में जन समस्याओं को लेके गए, जनता की जो समस्याएं होती थी, हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत वहां जाते रहे। बाद में ऐसा भी समय आया कि सरकार की योजनाओं को, डेवलपमेंट की योजनाएं जो है, विकास की योजना है, चाहे व्यक्ति परक योजना हो, चाहे सामाजिक योजना हो, या गांव के विकास की बात हो, या क्षेत्र के विकास की बात हो, सड़क पानी बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इस तरह की समस्याओं को लेके हम लोग गांव-गांव जाके रूबरू होते रहे। इस नुक्कड़ नाटक के सिलसिले में जो गांव के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का फायदा ये
दो तीन तरह के फायदे हुए। दो तीन तरह के फायदे मतलब जैसा कि मैं अभी संस्कार और संस्कृति और भाषा और तहजीब जीवन शैली की बात कर रहा था, ये सारा कुछ इतना करीब से देखने समझने का मौका मिला कि शायद हम पोथियाँ पढ़ डालते, मोटी मोटी किताबें पढ़ जाते या कई रिसर्च करते तब भी शायद इतनी जानकारी करीब से वास्तविक जानकारी नहीं होता। तो ये जानकारी हासिल हुई उन जानकारियों के साथ जो वास्तविक समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की या गांव के लोगों की, वास्तविक समस्याओं से कैसे जूझ रहे हैं और उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी होती है धीरे धीरे। पहले गांव के लोग, पहले क्या आप भी शिक्षा की वजह से कह लीजिए, गरीबी की वजह से कह लीजिए या हमारे राजनीतिक दूरदृष्टि की कमी से कह लीजिए, राजनीतिक नेतृत्व के दूरदृष्टि की कमी से कह लीजिए कि लोग अपने प्रति जो लोगों के लिए योजनाएं बन रही हैं लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा जो योजनाएं बनाई गई लोगों के भले के लिए, क्षेत्र के भले के लिए, भाषा के भले के लिए, स्वास्थ्य के भले के लिए, शिक्षा के भले के लिए जो भी योजनाएं बनी, सरकारों ने योजनाएं बनाई अच्छी योजनाएं, वो धरातल तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सका कि लोगों को उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी जी नहीं होती थी। आज भी बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इस बात को लेकर, इस पर इसका थोड़ा दुख तो होता है लेकिन पहले के मुकाबले आज अवेयरनेस ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जैसे नुक्कड़ नाटक के दल जाते हैं गाँव में या इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी योजना की जानकारी ले सकते हैं, या आज सरकारें भी अपनी योजनाओं को अलग अलग माध्यमों से पहुँचा रही हैं। कई क्षेत्रीय तौर पे जो प्रयास हो रहे हैं टेलीविज़न और रेडियो बना के जी, जैसा कि आप का ये चैनल जी सर, अपने वर्ग के लोगों को, अपने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, ट्राइब लोगों तक जो सब्जेक्ट्स पहुंचा रहे हैं या जो मॉड्यूल पहुंचा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने में लगे हैं, ये अवेयरनेस पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हुआ है। डेवलपमेंट के काम भी दिखने लगे हैं, जैसे जैसे लोग अवेयर होने शुरू हुए, लोगों ने अपने हक के लिए बातें करनी शुरू की और मजबूरन या कह लीजिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए सजग और हमेशा मुस्तैद रहने की ज़रूरत पड़ गई है अब सरकारों को। अब ये नहीं है कि आप घोषणा करके सो जाएं 5 साल, ये नहीं हो सकता, ये स्थिति तो आ गई है, इतनी जागरूकता तो आ गई है जी जी। आप टेलीविज़न चैनल इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गांव के लोगों के समस्याओं को पकड़ा है और वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे नाटक लोग भी हैं, हमारे जैसे क्षेत्रीय सिनेमा के लोग भी हैं जी, जो इस तरह के एक ही समस्याओं को पहुंचा रहे हैं अपने फिल्मों के माध्यम से, अपने डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से जी। और ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, हालांकि अभी भी राजनीतिक रूप से अवेयर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है और इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है मुझे लगती है कि शिक्षित करना। शिक्षित मतलब हम लोग क्या है, सिर्फ डिग्री को शिक्षा मान लेते हैं कि हमने डिग्री हासिल कर ली हम शिक्षित हो गए, नहीं। शिक्षित मतलब यहाँ से जागरूक रहना, हमेशा सजग, हर समस्या हर विषय को लेकर जागरूक रहना। तब शायद जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आर्थिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं जी, अधिक माहौल में विष घोलने का प्रयास करते हैं, ऐसी बारीक चीजों को, चूंकि वो डायरेक्ट नहीं करते, जी करते जी जी सर जी, बिल्कुल सही बात है सर। और अगर हम लोग जान पा रहे हैं तो या देख पा रहे हैं जिस तरह के अवेयरनेस हो रही है और जिस तरह के जागरूक कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है जी। सर अगर हम बात करें झारखंड में फिल्म की, तो अभी बताया जा रहा है कि किस सिचुएशन में है और किस तरह के और डेवलपमेंट हो सकती है सर इस झारखंड के फिल्मों में या फिर झारखंड में फिल्म को लेकर सर? देखिए झारखंड में सिनेमा का एक कमर्शियल स्वरूप अभी बाकी है मुझे लगता है। शुरुआत बहुत साल पहले हमारे बचपन के मित्र हैं, बल्कि हम लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे, दशरथ हांसदा, आप जानते होंगे जी सर, मतलब एक ही क्लास में हम लोग पढ़े बचपन में, एक साथ नाटक करना शुरू किया और एक साथ सिनेमा भी, जब उन्होंने सिनेमा का बीड़ा उठाया तब
M7 जैसा एक कैमरा हुआ करता था, वीडियो का कैमरा आया था, उसको कह सकते हैं वीडियो कैमरा आने से जो डिजिटल क्रांति हुई थी कि क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ लोग सोच सकते थे सिनेमा बनाने के बारे में। वरना तो जब एरी कैमरे का दौर था जहाँ सिर्फ रील्स चलते थे, बड़े बड़े लेंस, बड़े कैमरे, तब तो इस तरह के छोटे क्षेत्रों में सिनेमा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो दशरथ हालदा इस तरफ कह लें संताली सिनेमा के लिए, संताली भाषा की सिनेमा के लिए, और रांची की तरफ, और रांची से आगे की तरफ जाए तो नागपुरी और खोटा भाषा के सिनेमा के लिए जो प्रयास, जिस सुख बुगाटे शुरू हुई थी, वो सुख बुगाट पहले बहुत देखेंगे आप तो तकनीकी रूप से भले ही बड़े बहुत अच्छी नहीं थी, सशक्त नहीं थी, लेकिन विषय बहुत सशक्त, विषय बहुत सशक्त थे, कलाकारों का अभिनय बड़ा अच्छा था, संवेदनात्मक रूप से जोड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो ताकत जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे हमने विषय और भावनाएं और संवेदनाओं को छोड़ना शुरू किया, किनारे करना शुरू किया, और लोगों के नज़र में एक बात या दिमाग में एक बात घर करती गई कि जिसको जितना टेक्निकल नॉलेज है वही सिनेमा कर सकता है। इसलिए ऐसा हुआ हमारे क्षेत्रीय सिनेमा में, कह सकते हैं कि दुर्भाग्य हुआ कि कैमरा ऑपरेट करने वाला आदमी, कैमरा मैन, मतलब हम सिनेमाटोग्राफर एक वर्ड है जी सर, तो सिनेमाटोग्राफी एकदम से अलग सी चीज़ है, एक अलग शब्द है, उस शब्द की व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो जो कैमरा ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था उसको लगता था कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल वाले मुझे हैं तो मैं फिल्में बना सकता हूँ। तो ऐसे लोगों ने भी फिल्में बनाई जिसकी वजह से गुणवत्ता में कहीं कमी आए, क्वालिटी कम होता फिल्म, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग फिल्में नहीं बना सकते, लेकिन उनको भी संवेदनात्मक रूप से उतना सोचना सीखना चाहिए और सीख के आना चाहिए जी। एक तो पहलू ये था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपनी जिजीविषा से, अपने संघर्ष की ताकत से क्षेत्रीय सिनेमा के स्वरूप को खड़ा किया, और इतनी मजबूती से खड़ा किया कि सरकार को, झारखंड सरकार को एक फिल्म नीति बनानी पड़ी। बड़ी खुशी की बात थी जब फिल्म नीति बनी, एक खुशी की लहर दौड़ी थी, एक उम्मीद की लहर दौड़ी थी कि अब झारखंड में सिनेमा को बहुत ऊंचा मकाम मिलने वाला है। कहीं मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही हूँ, कहीं गलत क्या हुई कि नीति निर्धारण करने के लिए जो कार्य समिति बनी, चूँकि सरकार में बैठे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि कौन लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, किसके पास संस्कारों की, भाषा की, संस्कृति की जानकारी है, किसके पास सिनेमा के तकनीक की जानकारी है, ऐसे लोगों की जानकारी विस्तृत रूप से सरकार के पास नहीं थी, अभी भी नहीं है। इसको मुझे लगता है, मैं आपके टेलीविज़न के माध्यम से सरकार को ये सजेशन देना चाहता हूँ, विनम्र सलाह देना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह की कोई समिति बनती है तो वैसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो सचमुच इसकी तकनीक से और ज़मीन से दोनों से जुड़े हों, और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ की कहानियों को, यहाँ के लोक कथाओं को जानते हों, समझते हों, यहाँ के सिनेमा के निर्माण में आने वाली अड़चनों को जानते पहचानते हों, तो वैसे लोगों को सम्मिलित करके एक समिति बनाए तो मुझे लगता है विकास कार्य, सिनेमा का डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। पहली बार जब सिनेमा नीति बनने के बाद एक समिति बनाई गई, तकनीकी समिति भी थी उसमें, एक चेयरमैन थे, चेयरमैन के मामले में मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल से जुड़े, बिल्कुल निजाम सर जी, तो बहुत निजाम सर जी, बहुत ही हम लोग बहुत सारे बातें आज हम लोगों ने की, और समय का भी हम लोग संबंध का भी बहुत सारा पाबंदी है, और इसलिए इस बातों के सिलसिला को यहीं पे समाप्त करनी होगी, और बहुत सारे बातें जो नहीं पूरी हो सकी, हम चाहेंगे कि दोबारा से फिर आप हमारे साथ जुड़े, और भी बहुत सारे जो बातें हैं वो आप हमारे सामने रखें, हमारे दर्शकों के सामने रखें, और आज के इस सैटरडे स्पेशल में आने के लिए और बहुत सारी बातें को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी कोर से। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया, हमें इतना मौका दिया कि हम अपने विचारों को रख सकें, और जब भी आप बुलाएंगे हम ज़रूर आते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आजम क्या बोन झलका निजाम गोमके झलका लेके आज आया करियर झलका आये कुरुमुटू कातना कुरुमुटू को तया मांग से झलका लहा कांतना और मांग से मेनगान जमशेदपुर को मुंबई रे जहां जफर तेगान तया एकाल के अड़ी एटकेटोले तलाते मेनखान मेनकाउ से जहां तने गे और एटकेटोले कते मांग को ला उनकु लगी ते नापाय हर तंगरे मिनागदा नडे इन सुकुमे कना नो सडे स्पेशल गालो चकना आरो टाके मेरा को नेल गे जो प्रार्थना पे ट्राइब टीवी रे जोहार।